नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई मानिकपुर पुलिस ने आज ऐसी कामगिरी अंजाम दी है जिसके बाद कहीं न कहीं एक बुजुर्ग दंपति का लाखों का नुकसान होते बचा। वहीं एक ओला ड्राइवर मुसीबतों में फंसते हुए बचा। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले वसई अंबाड़ी रोड पर रहने वाले एक बुजुर्ग मुंबई मलाड से वसई ओला बुक करके वसई आए। वसई आने के बाद में वो शादी में कहीं मुंबई गए थे, वहां से रिटर्न जब हुए, वसई आने के बाद जब उतरते समय उनके सामान में से उनका हैंडबैग वहीं रोड पर सड़क पर गिर पड़ा, जिसमें 80,000 के करीब कैश था और 5-5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। इतना सब वहीं गिर गया, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि हमारा इतना कीमती सामान यहीं पे कहीं गिर गया है। ओला ड्राइवर चला गया अपनी गाड़ी लेकर और बाद में इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हमारा कुछ सामान मिसिंग है और ज्वेलरी वगैरह गायब है। दंपति ने मणिपुर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन की। मणिपुर पुलिस स्टेशन ने लगातार 2 दिनों तक उस ओला ड्राइवर को बुलाया, उससे पूछताछ की। हालांकि ओला ड्राइवर, जिसको इस प्रकरण की कुछ मालूमात ही नहीं थी, लेकिन ऐसा जब कभी मामला बनता है तो पहला शक गाड़ी ड्राइवर के ऊपर ही आता है। और वही 2 दिनों तक पुलिस ने ओला ड्राइवर को बुलाकर उससे पूछताछ की। ओला ड्राइवर ने पूछताछ के समय पुलिस को साफ नकार दिया कि मुझे इस प्रकरण की कुछ मालूमात नहीं है। तब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के समय पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में वो घटना कैद हुई दिखी, जिसमें एक अनजान व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ वो बैग उठाकर निकल पड़ा था। अब पुलिस के पास चैलेंज यह था कि उस अनजान व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए। तब पुलिस ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार वो बैग ले जाने वाले अनजान आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे ही उस अनजान व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, उसके पास से कैश और ज्वेलरी पूरी बरामद की और बाद में इन दंपति जिनका ये सामान गुम हुआ था उनको बुलाकर उनको सुपुर्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने काफी बेहतरीन काम किया। इस पुलिस की इस पूरी जांच पड़ताल से जहां दंपति का गुम हुआ कीमती सामान और रकम वापस मिल पाया, तो वहीं मुसीबत में फंसता ओला ड्राइवर जरूर बच गया। अगर पुलिस इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाती और जो अनजान व्यक्ति बैग उठाकर ले गया था उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, तो कहीं ना कहीं ओला ड्राइवर जरूर मुसीबत में पड़ सकता था। इस पूरे मामले पर मणिपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई राजू माने ने मीडिया को जानकारी भी दी, वो आप आगे सुनिए वीडियो में। और जब ये जानकारी हासिल की गई पुलिस से कि बैग उठाने वाले के ऊपर किस तरह का मामला बना, तो पुलिस ने मना किया कि उसके ऊपर किसी तरह का मामला नहीं बना और उससे जो माल था वो हस्तगत कर लिया गया और उसके जो असली हकदार थे उनको वो दे दिया गया। सुनिए आगे मणिपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। 5 तारीख के नाइट में एक दो सीनियर सिटीजन हस्बैंड वाइफ ये मालाड से वसई के लिए आ रहे थे कैब से। कैब से आए, यहाँ पे अंबाड़ी रोड पे उनका घर है, वहाँ पे उतरे वो। और उतरे जब भी जो सामान है, शादी में गए थे, बैग्स वगैरह कुछ थे, वो सामान उतारा और वैसे ही निकल गए। और उन्होंने यहाँ आके बताया, बैग निकालने के बाद उनको लगा कि बैग छूट गया कैब में, जिसमें ऑर्नामेंट्स और कैश थी। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आए कि भाई हमारे कैब में ये भूल गए। उसके बाद हमने कैब वाले से कांटेक्ट किया, कैब वाला बुलाया, उससे तहकीकात की, कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कैब में था ही नहीं। 2 दिन उसको बुलाया, 2 दिन उसका इंट्रोगेशन चालू था, कैब में नहीं था। फिर जगह पे डिटेक्शन टीम हमारी गई, सीसीटीवी कैमरे चेक किए पूरे एरिया के, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक होने के बाद उसमें सामान उतारते वक्त वो हैंडबैग जो है वो गिर गई थी रोड पे और कैब निकल गई।
उसके बाद हमने वो टाइम का पूरा सीन देखा हो, उसके बाद ये निकलने के बाद कोई एक अनजान आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसको ये हैंडबैग मिल गई, वो उठा के निकल गया था, उसको हमने फॉलो किया आगे के कैमरे में और उससे पता चला कि वो कहाँ है, वहाँ पे जाके उसको उठा के बैग मिल गया उसे। सर उस अनजान व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह का मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं नहीं, उसको तो गुम हुआ चीज़ मिला था तो कोई मामला बनता ही नहीं है, हाली उसने जमा करना चाहिए था वो जमा नहीं किया। सर इस तरह के काफ़ी बार कई चीज़ें वारदात होती है, अभी जैसा यही मामला है, इसमें कहीं ना कहीं शक जाता है कैब वालों के ऊपर, लेकिन इसमें साफ जाहिर हुई कि कैब की गलती नहीं थी। ऐसे में शहर में सीसीटीवी पहले से है ही कैमरा, लेकिन कई जगह पर ऐसी भी है जहां पर सीसीटीवी नहीं है, तो आप शहरवासियों से कुछ आह्वान करना चाहेंगे कि वो सीसीटीवी? वैसे शहरवासियों से आह्वान करते हैं बार बार, महीने में हम कोशिश करते हैं सबको मिलके, कैमरे व्यापारी लोग को मिलके या जैसे कि नगर सेवक है यहाँ के अंदर है, सबसे बात करके जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम कैमरे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी है इसमें। इधर है गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।